अपनी मनपसंद फिल्में देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा मूवी पार्लर, बेल आइकॉन को दबाएं। सुभान अल्लाह, शायरी और तरन्नुम का ये सैलाब किधर से आया मिज्जल मियाँ? पड़ोस से। ये आवाज़ मशहूर शायर और तवायफ उमराव जान अदा की है सरकार। ज़रा देखिए तो, दर्द भरे अल्फाज किस खूबसूरती से निभाए हैं। इसको आपसे बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि आप खुद एक शायर और मुकम्मल मुसन्नफ हैं। हम बहुत दिनों से उनके बारे में सुनते आए हैं, आज मिलना चाहते हैं। आप इजाज़त दीजिए मिज्जल मियाँ, हो सकता है हम पर भी उनकी ज़िंदगी के कुछ गोशे रोशन हो जाएं। आमीन। आदाब। आदाब। मुझे मिर्ज़ा हादी रुस्वा कहते हैं, मैं उमराव जान अदा साहिबा से मिलना चाहता हूँ। जी आप इंतज़ार फरमाइए, हम पूछ के आते हैं। जी बेहतर, नवाजिश। भाई साहब, कोई मिर्ज़ा रुस्वा आपसे मिलना चाहते हैं। वो मशहूर शायर, बुला लो उन्हें। जी जी आइए हुजूर। नवाजिश। आदाब। आदाब, तशरीफ रखिए रुस्वा साहब। शुक्रिया। नवाजिश करम। मुआफ कीजिएगा, हम आपके आराम में खलल हरगिज न डालते, मगर हमें आपकी आवाज ने मजबूर कर दिया। आपकी जर्रा नवाजी है, वरना हम क्या,
हमारी आवाज क्या? ऐसा ना फरमाए, गजल, तगज़ल, संगीत, ये सारी चीजें उमराव जान अदा के नाम से मंसूब है, उन्हीं से जुड़ी हुई। मगर हाँ, आज ये क्या हुआ, जिंदगी के साज में दर्द का ये तार कहाँ से जुड़ गया? आप तो जानते हैं मिर्जा रुस्वा साहब, दर्द ही तो जन्म देता है शायरी को, संगीत को। वाह, कुछ हमें भी तो सुनाए। लुत्फ है कौन सी कहानी में, आप बीती कहें या जग बीती? मोहतरमा, मैं महसूस करता हूँ कि आपने जिंदगी को करीब और बहुत करीब से देखा है, और आप बीती से बेहतर कोई कहानी, कोई दूसरी कहानी नहीं हो सकती। अब आपसे क्या कहें, आपने तो हमारा नाम ही चुरा लिया। जी, क्या फरमाया आपने? सारे जमाने में बदनाम हम हैं और रुस्वा आप हो गए। भाई बहुत खूब, मगर ये बात भी उमराव जान अदा ही कह सकती थी। छोड़िए, कौन उमराव, किसकी जान और कैसी अदा? हम तो फैजाबाद की मिट्टी में पले अमीरन थे और आज भी अमीरन है। अमीरन? जी हाँ, अमीरन। चलिए, आज उसी मासूम की दास्तां सुनाती हूँ। आपा क्या ढूंढ रही हो? हमारी अंगूठी गुम गई है, अम्मा हमें मार डालेगी। ए छोरी, ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। किसकी छोरी है तू? अपने अब्बू की, और किसकी? वो तो ठीक है, पर तेरे अब्बू है कौन? हमारा अब्बू बस आवत है। ठीक है अब्बू, हम हैं, तुम कौन? ओ, हमार जान का दुश्मन दिलावर खान, सलाम अलैकुम, तुम आ गए। तुम तो गवाही देकर हमें 7 साल के लिए भिजवाई दिए थे, वो तो हमें ही थोड़ा जल्दी आ गए। देखो दिलावर, हम सच न भी बोलते, लेकिन जब हाथ कुरान शरीफ पर रखवा दिया तो हमें सच बोलना ही पड़ा। ठीक है, तुम अपना ईमान पालो, हम अपना ईमान पालेंगे। चलो बेटा, घर चलो। साला हरामी, सलाम तो ऐसे करे था जैसे हम जेल से नहीं हज करके आए रहे। ये छोरी तो मन ने इसकी जान का टुकड़ा लागे। ये ले बिटिया, तो हर बताशे। अब्बू आप कितने अच्छे हैं, आप रोज हमारे लिए बताशे लाते हैं। ये ले। देख बिटवा जमाल, तुहार बहन तौ से कितना प्यार करे है, पहले तुहार मुंह में डाले है फिर खावे है। बिटिया, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। आ गए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बड़ी मेहरबानी हो गई। याद नहीं पांडे जी की बिटिया की शादी में जाए का है, इतनी देर से आए हैं और हालत तो देखो क्या बना रखी है। चलो हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ, रुखसत का वक्त हो गया है। न जाने कौन जादू किया है ई मुआ पेड़ तुम पर कि बस दिन भर उसी के नीचे खेलती रहती है तुम्हारी लाड़ी। अरे तू तो पेड़ को बुरा मत कह अमीरन की अम्मा, तुहार जैसा तो है, तू अपने आंचल की छाया से इन सबको धूप से बचाए है, और पेड़ भी तो वही करे है, खुद धूप में जले है और हम सबका साया देवे है। और हमारा अब्बू भी तो वही करे, खुद कमावे और हमका खिलावे। आए हाय, बड़ी सयानी हो गई तुम्हारी लाडली। चलिए आप तैयार हो जाइए, इसे भी ले जाइए। आओ मिया। अरे ठहरिए, ये तो ले जाइए। चल अमीरन, आ बैठ, ला हाथ, चल हाथ धो दूं।
ला, दूसरा हाथ ला। अरे अंगूठी कहाँ है? कहाँ गई अंगूठी अमीरन? अरे कहाँ गई तेरी अंगूठी? खो गई। खो गई? जानती है कितनी मेहनत करके तेरे अब्बू ने दिलाई थी तुझे, खो गई। अब रो क्यों रही है? क्या पहली बार मारा है? हम तो इसलिए रो रहे हैं कि अब्बू ने इतनी मेहनत से हमें वो अंगूठी दिलवाई थी। अल्लाह, चल रो मत, आजा आजा बिटिया, अब्बू दूसरी दिला देंगे, अब रो मत। शादी ब्याह तो खुशी का मौका होता है ना? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। अब्बू, तो फिर पांडे जी के घर वाले सब रोवे क्यों थे? बेटे की विदाई के समय रोना तो आ गई है बेटा। अब्बू बताओ, हमार विदाई होगी तो आप लोग भी रोओगे? बिल्कुल बेटा। अम्मा तो रो रो के बावरी हो जाएगी। मैं तो फिर शादी नहीं करूंगी। ना बिटिया, शादी तो करेगा पड़ी। हमें कह दिया ना, हम शादी नहीं करेंगे, हम आप ही के पास रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आज महमूदाबाद से मीर साहब आए रहन। अच्छा। अमीरन की शादी का दिन पक्का करे को कहत रहन। अमीरन सो गई का? सोई गई। शादी तो कर दें पर खर्चा बहुत है, कहां से आवेगा? वो लोग न जाने का समझ बैठे हैं। हमारा इतना बड़ा घर देख कोई भी धोखा खा जावे है। वो का जाने हमका विरासत में मिला रहे हैं। कुछ भी हो, शादी तो करनी है। आज तक कोनो बिटिया को घर में बिठाए रखे है? हाँ। अमीरन को विदा तो करेगा पड़ी। रईसा, रईसा। जी बीबी साहब। देखो चिराग की लौ बुझा चाहती है, इसमें और तेल डालो या कुछ भी करो पर इसे मरने न दो। जी बेहतर। ऐसे ही मेरी तकदीर का चिराग भी बुझ गया था, जिस दिन मैं एक जख्मी परिंदे को बचाने के लिए उस कमबख्त दिलावर के साथ उसके यहाँ चली गई थी। घर पे निक्को बुआ है ना, वो पल भर में फूंक के इसे ठीक कर देगी। सच? वहाँ ना कोई बुआ थी ना मौसी। अरे निक्को बुआ, बुआ जवाब। बस खाली कमरा था, मेरा मुंह बंद करके, हाथ पांव बांध के, बोरी में बंद करके बैलगाड़ी में डाल दिया। गाड़ी बस चलती अनजान राहों पर। अरे जरा देख के चला करो जमादार। अब भाई कोई हादसा हो गया होता तो लोग यही कहते ना कि दिलावर ने बदला ले लिया। अरे नहीं दिलावर भाई, कोई दुश्मनी थोड़ी ही है, बस ये बताशे गिर गए। अब हम अमीरन बिटिया से क्या कहेंगे? अमीरन बिटिया, चला बीरबख्श। और उस दिन मैंने आखिरी बार अपने अब्बू को देखा। साला या तो बहुत भोला है या बड़ा होशियार है, कहे है दुश्मनी थोड़ी ही है, पता चलेगा हरामी को।
के करे का इरादा है? काट कर फेंक दूंगा ससुरी को। अरे नारे, ऐसा ना करना, मौत के परे भी एक मौत है। वो कौन सी? अरे लखनऊ ले चला था, कोठे पर बेच दे है, बाहर बदला भी हो जाए और चार पैसे का फायदा भी। कहो कैसी कहें? अरे तू तो बड़ा होशियार है रे। आपके मिट्ठू के लिए सोने का पिंजरा? और क्यों नहीं, आप हुकुम फरमाए खानम साहब तो पाव भर मोती भी मंगवा ले। वो क्यों? अरे भाई, रहने को सोने का पिंजरा और खाने के लिए मोती। जलती क्यों हमारे मिट्ठू से, हम तुम सबको भी तो सोने का निवाला खिलाते। बेशक खानम साहब, बेशक। ये लो। जी शुक्रिया। आदाब। आदाब। खानम साहब, एक और छोटा सा मुँह इंतजार कर रहा है निवाले के लिए, आप कहिए तो हाजिर करूं। बुलाओ। पीरबख्श आइए। आदाब अर्जी। आदाब। यहाँ आओ बेटिया, घबराओ नहीं, आओ हमारे पास बैठो। जाओ। आओ बेटिया, डरो मत, आओ जाओ। यहाँ शॉप। क्या नाम है तुम्हारा? अमीरन। ओ, कहाँ की रहने वाली हो? बंगला। हाय हाय, ये बंगला कहाँ हुआ? हाय गंवार, इतना भी नहीं जानती? फैजाबाद को कहते हैं बंगला। तो तुम फैजाबाद से आई हो? जी मैं आई नहीं हूँ, ये लोग जबरन ले आए। हाय हाय, खुदा जाने किसकी लड़की है, क्या हाल होगा इसके माँ बाप का, मुए पता नहीं कहाँ से उठा लाते हैं, जरा भी खुदा का खौफ नहीं। खुदा झूठ न बुलवाए, हम तो बेकसूर हैं, यहाँ न बिकती कहीं और बिकती। खानम साहब, यहाँ फिर भी सही रहेगी, आपने सुना नहीं और कोठों पे लौंडियों की क्या गत बनती है। तौबा तौबा। बोलो। हुकुम, 200 दे दो। हाय हाय, 200 दे दो, 200 चाहिए तो थाने में मिलेंगे, 100 दूंगी। ऐसा गजब ना करो भाई साहब, ये छोरी आपकी खिदमत में रही है, जवान हो जाइए तो कमा के भी दही है। जरा उसकी सकल सूरत भी देखे ना भाई साहब। जबान बहुत चलती है तुम्हारी, है तो आदमी का बच्चा, 120 मिलेंगे। अब हुसैनी मंजूर है? अरे नहीं मंजूर तो लौंडिया को ले जाओ, ले जाओ। नहीं नहीं मंजूर है। तो जाओ बाहर इंतजार करो, पैसे भिजवाते हम। अरे दफा हो, जरा जल्दी कीजिएगा। अरे चलो ना। आज से अमीरन हमारी हुई। खानम साहब, अमीरन को हमें दे दे, हम इसे पालेंगे, बच्ची आपकी, खिदमत हमारी। अच्छी बात है, लेकिन हम इसे अमीरन नहीं उमराव कह के पुकारेंगे। वाह कितना शानदार नाम है, आज से तुम्हारा नाम पड़ गया उमराव। आओ चल। उमराव जी। वाह, चलो आ जाओ, चलो बेटा। अमीरन बिटिया, अमीरन बेटी, तुम्हारे लिए बताशे। अमीरन। अबू, अबू, अबू। अरे अबू। अरे क्या हुआ बिटिया? हाँ लगता है कोई बुरा ख्वाब देखा जो उठ के बैठ गई। हाँ ख्वाब तो अच्छा था। और अब्बू को ख्वाब में देखा था? हाँ। आ जा बच्ची, चल सो जा, चल सो जा। नहीं, 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 नहीं
तुम्हें नहीं नहीं यहाँ आओ हमारे पास आ जाओ बिटिया हमारे पास आओ यहाँ हम तुम्हें बिल्कुल नहीं मारेंगे हम तो तुम्हारी अम्मी जैसे हैं कहाँ जाना चाह रही थी घर तुम्हारा घर तो बहुत दूर है बिटिया और तुम्हें तो रास्ता भी नहीं मालूम है ना बाहर की दुनिया बहुत खराब होती है बिटिया इसलिए कहीं जाने की कोशिश मत करना जब तक हम हैं हम तुम्हें तुम्हारी अम्मी अब्बू किसी की कमी महसूस नहीं होने देंगे यहीं रुको अभी आती है तुम्हारी बुआ ये देखो क्या लाई है तुम्हारी बुआ तुम्हारे लिए ये देखो ये कपड़े और ये देखो ये गहने देखो है ना खूबसूरत पहनो शाबाश ये और ये अब तो कहीं नहीं जाओगी नहीं शाबाश और आप पोशाक की रंगीनी और रेशम के तारों में उलझ गई शौक फरमाइए जी शुक्रिया नवाजिश और उलझती ही चली गई जरा सोचिए एक बच्ची जिसने अतलस और कमखान का नाम भी ना सुना हो उसे ये सब पहनने को मिला जिसने बताशे से बेहतर कभी कुछ न खाया हो उसे जरदा और मुतंजन खाने को मिलने लगा तो पागल न हो जाएगी साथ खेलने को दोस्त मिले बिस्मिल्ला खुर्शीद गोहर उनसे मिलने के बाद उन्हीं की तरह बनने की ख्वाहिश भी मन में जागी मौलवी साहब और बुआ हुसैनी ने अब्बू और अम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी हाय हाय तौबा तौबा बिटिया ये क्या कर रही हो ऐसे खाट नहीं रखते बुरा शगुन होता है बिटिया क्या होता है बुआ तौबा तौबा बेटा जब घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी खाट को उल्टा खड़ा करते हैं सर नीचे और पांव ऊपर चलो इसको सीधा करते हैं चलो चलो हटो 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 ऐसे देखा चलो आज तुम्हें हम अपने रस्मों रिवाज के बारे में ही पढ़ाते हैं चलो हाथ मुंह धो लो तालीम शुरू हो गई तो पढ़ने लिखने के साथ साथ अदब और सलीका भी आ गया बुआ हुसैनी ने बात करवाना सिखाया तो मौलवी साहब ने शेरो शायरी से तारुफ कराया हाँ साहब ने सुरताल से पहचान कराई और गुरुजी ने थिरकना सिखाया पांव में पासेब की जगह घुंघरू आ गए देखते ही देखते बचपन कहीं पीछे छूट गया और जवानी ने दरवाजे पर दस्तक दी गोहर मिर्जा ये क्या मजाक है चेहरा नजर नहीं आता अच्छा है ना चेहरा नजर ना आए तो अच्छा है इतना हसीन चेहरा हो तो अपने ही नजर लग जाती है रहने दो हम कहाँ के हसीन हैं हसीन तो है बिस्मिल्ला खुर्शीद अमीर जिनके चाहने वाले उनके नाज उठाते हैं रोज नए नजराने पोशाकें कहने खिदमतकार खादिमाएं और कभी भूले भटके हम उनके यहाँ पहुँच जाए उमराव अच्छा हुआ तुम आ गई वो मेरी जरा पान की तश्तरी लेके आना तो किसी ना किसी बहाने से भगा देती हैं हमें जानती हो क्यों डरती है वो तुमसे कहीं तुम उनके चाहने वालों को चुरा ना लो तुम्हारा चेहरा देखने के बाद कोई दूसरा चेहरा ना भाएगा वहम है तुम्हारा उन सब के आशिक तो उनकी जुल्फे भी संवारते हैं
एक हम है, सब खुद ही करना पड़ता है। इजाजत हो तो तुम्हारे बाल मैं सवार दूं। ये क्या हरकत है, ऐसे क्यों छुआ तुमने? अरे तो क्या हुआ, पहली बार छू रहा हूं तुम्हें ऐसे? बचपन की बात और थी और बचपन बहुत पीछे रह गया गौहर। मुए मर्दूद, ये क्या बेहूदगी है, चल दफा हो यहाँ से। हाँ? अरे बुआ मैं तो उमराव के कहने पे उसके बाल बना रहा था। बकवास मत कर, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। जब देखो तब लड़कियों के इर्द गिर्द मंडराता रहता है। वो तेरा मुआ बाप भी ऐसे ही था, कहने को नवाब था पर एक दोमनी टेकवा बेसही नहीं छोड़ी। देखो बुआ अब्बा के खिलाफ कुछ ना कहना। झाड़ू फिरे, चुपचाप यहाँ से चला जा वरना वो गद बनाऊंगी ना कि याद रखेगा। चल उठ यहाँ से। जो कहना है कह लो बुआ, आप लोगों के टुकड़ों पे पल रहा हूँ ना। आलम पिटे दफाओ। इस मुए पे गुस्सा भी आता है और तरस भी आता है। तुम भी कहाँ उस उबाश के जाल में उलझ गई। क्या करती, इन रूखे उलझे बालों से तंग आ गई थी। आपको भी तो हमारे लिए वक्त नहीं है, सच पूछो तो किसी को भी नहीं है, खानम साहब को भी नहीं। दिल छोटा नहीं करते बिटिया, वक्त बदलती देर नहीं लगती, उमराव का भी वक्त आएगा। क्या बात है बिटिया, तुम्हारी आंखों में नमी, ये अच्छा नहीं लगता भाई। जी कुछ नहीं, बस यूं ही बचपन का सुना गीत याद आ गया। अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। अब बचपन गया, उसके साथ भाषा भी छूट गई, अब तो खड़ी बोली में कहना सुनना होगा। बिटिया कोई नया शेर कहा होगा तुमने, वो सुनाओ। सुनाओ, मुलाजा फरमाइए। पढ़ो। आंखें तेरी चाहे जिसे दीवाना बना दे, आंखें तेरी चाहे जिसे दीवाना बना दे, पत्थर भी गिर जाए तो पैमाना बना दे। वाह, पत्थर पे भी गिर जाएं तो पैमाना बना दें, बहुत खूब। पर बेटे आंखें की जगह नजरें कर दो, आंखें नहीं गिरती नजरें गिरती हैं। तौबा, ये बात तो उस्ताद ही कह सकते थे ना। शुक्रिया। अरे ऐसे शुक्रिया अदा नहीं होगा, अब हमने तुम्हारी मदद की, अब तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। आपकी मदद और मैं, क्यों नहीं, हुक्म फरमाइए। एक मिसरा हुआ है, हमने छोड़ा था जमाना जिन्हें पाने के लिए, अब दूसरा मिसरा नहीं हो रहा, अब तुम सुझाओ। पाने के लिए, जाने के लिए, जमाने के लिए, हमने छोड़ा था जमाना जिन्हें पाने के लिए, लो वही छोड़ चले हमको जमाने के लिए। वाह सुभान अल्लाह, क्या दिमाग पाया है तुमने, आज तो तुम्हें सचमुच इनाम देने को जी चाहता है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें। मांग लो। मांगो ना। आप देंगे? क्यों नहीं, तो एक दोना भर बताशे ला दीजिए ना। बताशे?
मेरे अब्बू हर शाम लाया करते थे मेरे लिए। किस सोच में पड़ के मौलवी साहब? तुमने तो हमें जिंदगी भर के लिए बांध लिया। अगर जिंदगी ने वफा की तो हमारी शफकत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मगर आप बताशे नहीं लाएंगे? अरे लाएंगे, वो भी लाएंगे। बिटिया इसे रख लो, ये अंगूठी हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगी। आदाब। 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 तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। जी जरा देखें क्या सीखा है। आओ। उमराओ। खुर्शीद। जी जीते रहो, हमारे कोठे की रौनक हो तुम दोनों। क्या बात है। खानम साहब, कोई खातून आपके लिए पैगाम लेकर आई हैं। बुला। जी आइए, तशरीफ लाइए। आदाब। फरमाइए। हुजूर, नवाब शुजात अली खान साहब के यहाँ से पैगाम और पेशगी लेकर हाजिर हुए हैं। हुजूर के यहाँ शादी की तकरीब है। जाहिर है कि शहर के सारे रईस और नवाबीन शिरकत करेंगे। हुजूर चाहते हैं कि ये मुजरा आपके कोठे से ही हो। बेहतर। हुजूर ने यह भी फरमाया है कि आपकी बेहतरीन तवायफ मुजरा करें। कीमत मुंह मांगी दी जाएगी। नवाब साहब से कहिए हम ममनून हैं और ज़रूर हाजिर हो जाएंगे। आदाब। ज़ाहिर है कि नवाब साहब ने रक्कासा का इंतकाब हम पे छोड़ा है। खानम साहब, खुर्शीद और बिस्मिल्लाह दोनों ही तैयार हैं। आप जिसे चुनेंगी वही इम्तिहान में खरी उतरेगी। हम चाहते हैं कि ये मुजरा उमराव करे। जीते रहो, यही सही मौका है। पहला मुजरा, पहली बार, इतनी बड़ी महफिल, पूरा लखनऊ वहां होगा। तो अच्छा ही है ना, एक ही रात में तमाम लखनऊ को अपने फन का जलवा दिखा दोगे। हीरा अपनी चमक से वाकिफ नहीं होता, सिर्फ जौहरी को उसकी पहचान होती है। तुम हमारा बेशकीमत मोती हो और अब वक्त आ गया है मोती को सीप से बाहर निकालने का। जाओ तैयारी करो। जी खानम साहब। मुबारक हो।
गुस्ताखी माफ, मगर आपने अच्छा नहीं किया। उमराव का इंतखाब करके आपने हम सबको नीचा दिखा है। खानम जो भी करती है सोच समझ के करती है। आप मुझे भी तो चुन सकती थी, मैं तो आपकी अपनी औलाद हूँ। एक बात अच्छी तरह जान लो बिस्मिल्ला, इस पेशे में जज्बात या रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती। खुदा झूठ न बुलवाए, हम ममता से महरूम नहीं हैं, लेकिन जो भी करते हैं वो इसलिए कि तुम आसाइश की जिंदगी गुजार सको। उमराव का नाम होगा तो कोठे को शोहरत मिलेगी, और शोहरत ही दौलत का सर चश्मा है। ऊपर वाले ने जब सीने में दिल रखा तो उसमें मोहब्बत भी अदा की, भरपूर मोहब्बत, और वो पूरी की पूरी किसी एक शख्स पर लुटाने के लिए। वाह सुभान अल्लाह। जिस रात मेरा पहला मुजरा लखनऊ के किसी रईस के यहाँ था, वो शख्स मुझे मिल गया। हेलो, तौबा। क्या हुआ बीबी साहब? मेरी अंगूठी गिर गई। बीबी साहब कहाँ गिरी? पता नहीं, यहीं कहीं होगी। यहाँ पर भी नहीं है। इधर 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 देखिए, कहाँ गिरी होगी। आप इसे ढूंढ रही हैं? जी।
जान। पहला मुजरा, इतनी बड़ी महफिल कैसा रहा? बस आपकी तालीम, दुआएं और अल्लाह का करम कुछ ठीक ही हो गया। अरे अरे खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, नजर उतार दूं बिटिया की। अरे आज तो उमराव ने कमाल ही कर दिया, पूरे नखलों का दिल जीत लिया। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। अच्छा कर रही हो, हमारी उमराव तो पहले ही नजर के काबिल थी। इस मुजरे के बाद तो सचमुच बेमिसाल हो गई होगी। न जाने कैसी कैसी नजरें लगी होंगी इस पर। बल्कि रईस और नवाबीन एक दूसरे पर गिरे पड़ रहे हैं हमारी उमराव के साथ एक रात गुजारने को। पर उमराव की सोबत तो किसी नसीब वाले को ही मिलेगी। हाँ, और इजाजत देंगे हम जी उसे जो सबसे ऊंची रकम अदा करेगा। बहुत महंगी है उमराव की नथनी। आज से तुम शीश महल में मुंतकिल करती जाओगी, जहाँ तुम्हारे ऐश और आसाइश के सब इंतजाम होंगे। मैं वहां अकेली है। बेशक। हाँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आपके पास। अरे बचपन से आपकी आगोश में पली हूं, दूर कैसे जाऊंगी? अरे दूर कहां, हम लोग आसपास ही तो हैं। और फिर बिटिया, हमारा ये गोशा अब तुम्हारी शान के शाया नहीं। आप तो ऐसी बातें ना करें, मैं हमेशा आपकी अवेरन रहूंगी। उमराव, बचपन बहुत पीछे छूट गया, अब अपने आप के साथ जीना सीखो। जाओ बिटिया,
शीश महल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एक पूरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। रुको, ये लो, ये आईना साथ लेती जाना। अब चोरी चोरी अपने आप को देखने की जरूरत नहीं है। खुश रहे। हाँ, किस मुंह से तारीफ करूं उमरा, कल रात का मुजरा बस यूं समझ लो, पहली बार खुद रागिनी को गाते सुना और बिजली को नाचते हुए देखा। इतना भी मत चढ़ाओ कि गिरूं तो चकनाचूर हो जाऊं। मेरा खुदा जानता है तुम इससे भी ज्यादा तारीफ के काबिल हो। सच पूछो उमरा, तो बरसों में इतनी खुश नहीं हुई मैं। ये बात तो सच है, मैंने हमेशा तुम्हें उदास ही देखा है। मोहब्बत की मार ऐसी ही होती है, मगर मोहब्बत तो खुशी ही खुशी है ना। बजा मगर जुदाई और दूरी जानलेवा होती है। खुदा ना करे तुम पर कभी ऐसा वक्त आए, मगर मोहब्बत करोगी ना तो जानोगी। उमराओ, खानम साहब तशरीफ ला रही हैं। जुग जुग जियो उमराओ। तुम्हारे सलाम ने वो कमाल किया कि नवाब सुल्तान की रूह की गहराई तक पहुंच गया। मुंह मांगी कीमत देने को कह गए नवाब साहब। आज रात तशरीफ लाएंगे और तुम्हारी ख्वाबगाह में गुजारेंगे, उनका दिल जरूर बहला देना। चलो उमरा, तुम्हें भी तुम्हारा नवाब मिल गया। पर ये नवाब सुल्तान हैं कौन? होंगे कोई बूढ़े घुसट, एक पांव कबर में लटकाए, उमराव की मोहब्बत का ख्वाब सजाए, जान दे देंगे। जाने जन्नत पहुंच के भी उमराव जैसी हूर मिले ना मिले। जान दे देंगे हुस्न के दर पर, मौत का इंतजार कौन करे। उमराव, नवाब सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। कैसे हैं वो? ऐसे हैं। भेजो। आइए हुजूर। किसी के दिल का पयाम ले लो, निगाह फेरो, सलाम ले लो। आप हैं? जी, क्यों आपको हैरानगी हो रही है? जी, दरअसल यहाँ सबका यही ख्याल था कि नवाब सुल्तान कोई बड़े बुजुर्ग होंगे। जी नहीं, शुक्रिया। मैं का शौक फरमाएंगे? जी नहीं। तो किस चीज का शौक है आपको? हमें तलाश है शौकी और अदा की, और वो दोनों चीजें आपको देखकर ही मिल गई। बातें बड़ी खूबसूरत करते हैं आप। यहां बैठिए। हजारों सालों में करोड़ों ने आसमान में चांद को देखा है,
पर शायद मैं पहला इंसान हूं जिसने चांदनी को अपनी बाहों में ले लिया है। हाय अल्लाह, गुस्ताखी माफ। नवाब साहब, आइए, आपकी महफिल तैयार है। इतनी भी क्या जल्दी है? तशरीफ रखिए नवाब साहब।
तुम भी पहने पहल, हम भी पहने पहल, तुम भी पहने पहल, हम भी पहने पहल, तुम भी पहने पहल, हम भी पहने पहल, तुम भी पहने पहल, हम भी पहने पहल। मुबारक हो, मुबारक हो खानम साहब, हमारी उमराव उमराव जान हो गई है। मुंह मीठा तो कीजिए, ये लीजिए। ये तो अच्छी खबर सुनाई, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि नवाब सुल्तान उमराव की गिरफ्त में इस तरह आ जाए कि वो उनकी कमजोरी पड़ जाए, वो उमराव के पहलू से उठ के कहीं जा ही न सके। इस तरह के रईसाते रोज रोज हाथ नहीं आते। जी खानम साहब, ख्याल रहे। अच्छा खुर्शीद, मुबारक हो, शीरीनी नोश फरमाइए। मुबारक हो, बिस्मिल्लाह, शीरीनी नोश फरमाइए। हमारी उमराव उमराव जान हो गई है। मुबारक हो बुआ, बहुत बहुत मुबारक हो। आए हाय, क्या बात है गौहर मिर्जा, नवाबी खून जोर मार रहा है। चल छोड़ी से मुंह मीठा कर, हमारी उमराव उमराव जान हो गई है, खा। नहीं बुआ, कल रात एक कड़वी गोली निकल गया था, उसकी कड़वाहट का मजा तो लेने दो। चल निगोड़े, कड़वाहट ही रहने दे। सुना है नवाब सुल्तान आज शाम फिर आ रहे हैं। बिल्कुल सही सुना है, इसीलिए तो हमारी उमराव जान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या पहने। ओफो, लगता है उमराव जान को नवाब सुल्तान से मोहब्बत हो गई है। हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। खूब, लेकिन खानम साहब चाहती है कि जादू उनका नहीं आपका चलना चाहिए, ताकि आप उनकी कमजोरी बन जाए। और अगर वो हमारी कमजोरी बन गए तो? तो कमबख्त दिल को समझा लेना, पर न वही खता करोगी जो कभी मैंने की थी। मोहब्बत खता है तो खता ही से। क्या देख रही हैं आप, हमारी तकदीर? जी नहीं, अंगूठी। देखना चाहती थी कि आपने पहन रखी है या नहीं। खुदा रा इसे हमेशा अपनी उंगली में रखिएगा, और कहीं गुम कर दी तो बहुत मार पड़ेगी। कौन मारेगा हमें? हम और कौन? अच्छा जी, बात यहां तक पहुंच गई। उससे भी आगे, जब हम छोटे थे ना, तब एक छल्ला गुम कर दिया था। मां ने इतनी जोर से तमाचा लगाया कि दिन में तारे नजर आ गए। दर्द तो बहुत हुआ होगा।
दर्द इतना नहीं हुआ, रोना बहुत आया। अच्छा बताइए, कल रात नींद अच्छी आई? आपके ख्याल ने हमें जगाए रखा। और आप? हम तो रात भर अपने मसीहा के बारे में सोचते रहे। वादा कीजिए, जब तक जिंदगी रहे आप रोज हमसे मिलने आएंगे। वादा तो करने पर निभाना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि अब्बा हजूर ने हमारी शादी सभा से तय कर दी है। सभा? कौन है ये सभा? हमारे खाला की बेटी। आपने हमारे होते हुए किसी और के बारे में सोचा? ये हमारे लिए मौत के पैगाम से कम नहीं। चले जाइए यहां से, खुदा के वास्ते आप हमें तनहा छोड़ दीजिए। वो बदनसीब प्यार की निशानी, वो अंगूठी लौटा दीजिए। पहले आप हमारी अंगूठी लौटाइए। कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने मोहब्बत की है और जिंदगी भर इस अंगूठी को अपने पास रखेंगे। अंगूठी लौटाइए और जाइए। बस उमरा, बस। हम किसी से शादी करने नहीं जा रहे, बस यही देखना चाहते थे कि आपके दिल में हमारे लिए कितनी मोहब्बत है। यानी कि आपको हमारी वफा पर शक था? नहीं हुजूर, नहीं। और अगर था तो अब बिल्कुल नहीं है। हम वादा करते हैं कि हम आप ही के साथ रहेंगे हमेशा, हर रोज उमरा से मिलने आएंगे। रोज? अच्छा, अब हमसे तो वादा करवा लिया, अब आपकी बात करें। आप जहां हैं वहां दिन रात मोहब्बत के सौदे होते हैं, जिस्म बिकते हैं। आप यकीन से कह सकती हैं कि आप हमारी और सिर्फ हमारी है? इसका मतलब आप हमें बाकी तवायफों की तरह समझते हैं? ना तो हम कोठे पे पैदा हुए और ना ही बाकी कोठे वालियों की तरह हैं। हम अमीरन थे और आज उमराव जान है। और हम भी उसी अमीरन के दीवाने हैं जो फैजाबाद के बदनसीब घर में पैदा हुई और मजबूरी के आलम में यहां लाई गई। हैरानगी हो रही है, हम अपनी महबूबा के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। चलो, सुलह हो गई। पहले बताइए आपकी सभा कैसी है? खूबसूरत है, हमसे भी ज्यादा। बहुत ज्यादा, इतनी कि हमें लगता है कि हम उसके काबिल नहीं है। कमाल है, आप उनके काबिल नहीं और हम आपके काबिल नहीं, तो होगा क्या? हमने कब कहा कि आप हमारे काबिल नहीं हैं? अभी अभी तो आपने हमें बेवफा कहा। उसके पहले आपने भी तो हमें बेवफा कहा। फर्क इतना है कि आप बेवफाई करके भी नवाब ही रहेंगे और हम वफा करके भी तवायफ ही रहेंगे।
को यहाँ भला समझा, हमने क्या समझा, तुमने क्या समझा, बेवफा अभी।
जब से आप मिले हैं तो ऐसा। अरे मियां कहां घुसे आ रहे हैं, जानते नहीं उमराव जान की खाबगा है, अब कहां चले जा रहे हैं? जानते हैं, इसीलिए तो अंदर जा रहे हैं। कौन है आप और ये क्या बदतमीजी है? देखते नहीं हमारे मेहमान बैठे हैं? बैठे हैं तो भगाए भी जा सकते हैं, इसने जो दिया है उससे दुगना दे सकते हैं हम। निहायत बेहुदा इंसान है आप, लगता है शरीफों में उठने बैठने की आदत नहीं है आपको। अरे वाह, तवायफ के कोठे पर बैठे हो और शराफत की दुहाई दे रहे हो। आप हद से बढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमारा पठानी खून खौल उठे और आपकी जान की लाले पड़ जाए। बहुत देखा है ऐसे पठानी खून को, इधर आओ मेरे पास आओ उमराव जान। मार डाला, खून गौर। ये क्या कर दिया आपने? मोहम्मद अफजल, इन्हें जल्दी हकीम के पास ले जाइए। अब क्या होगा? नवाब साहब आप यहां से निकल जाइए, हम ये सब संभाल लेंगे। हम यहां से नहीं जाएंगे, यहीं रहकर हर बात का सामना करेंगे। लीला चाहिए आपको हमारी जान की कसम, इस वक्त यहां से चले जाइए। क्यों डर गई? एक पठान के बच्चे से पाला पड़ा है, आपकी जान से बढ़कर और कोई चीज नहीं। आप कह रही हैं तो जा रहे हैं। हमारे कहने पर वो चले तो गए, मगर फिर कई दिन तक न कोई खबर आई और न वो आए। हम उनसे मिलने की दुआ करते रहे। खुदा की कसम ये उदासी तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तकदीर में उदासी हो तो कोई क्या करे, और अगर मैं इस उदासी को खुशी में बदल दूं तो इनाम मिलेगा? तुम मेरी खुशी का नाम जानते हो? जानता हूँ, वो कमबख्त सुल्तान, उसी की खबर लेकर आया हूँ। तो सुनाओ खबर। पहले इनाम। कहते हैं हम तो नहीं आ सकते, आप तो आ सकती हैं। कहाँ? उनके दोस्त के घर, मैं पता जानता हूँ। तो ले चलो ना। मगर खानम साहब, उन्हें मैं संभालूंगा। खुदा तुम्हें खुश रखे। बिटिया। आदाब मौलवी साहब। आदाब। अरे अपने बताशे तो लेती जाओ। आपको हमारे बताशे याद रहे? लेकिन आप जल्दी में कोठे से बाहर कहाँ जा रही हैं? चाहे भी तो आपसे झूठ ना कह सकेंगे, नवाब सुल्तान से मिलने जा रहे थे। वो पठान जी? नेक बंदा लगता है, आपको पसंद है? अल्लाह मददगार हो। जाइए जाइए जाइए, जल्दी कीजिए जल्दी।
आंखें तरस गई आपको देखने के लिए। आदाब। आदाब। आप हैं हमारे दोस्त अशरफ और आप हैं उमराव। आजकल हमारे दोस्त की जबान पर एक ही नाम है उमराव। मोहतरमा, ये मेरा गरीब खाना है और मुझे कबाब में हड्डी बनने की आदत नहीं, लिहाजा इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़े दिलचस्प है आपके दोस्त। जानते हैं कि मोहब्बत की दास्तान लंबी होती है और वक्त कम, सो जल्दी है। वैसे मोहब्बत के दो पल एक उम्र के बराबर होते हैं। बातों में भी वही जादू है जो आपकी आंखों में। कुछ ऐसे के बहका दिया हमें, तुमने तो ख्वाब देखना सिखला दिया हमें। ऐसे के बहका दिया हमें। दिखला दिया हमें।
देखा हमें कुछ ऐसे के बहका दिया हमें, तुमने तो ख्वाब देखना सिखला दिया हमें। उसे भी बुलाओ। जी वो तो गई। गई किधर? जी नवाब सुल्तान से मिलने उनके दोस्त के घर पर। उसकी ये जुर्रत, तुमने उसे रोका नहीं? जी बहुत रोकने की कोशिश की पर इश्क पर जोर नहीं। बिस्मिल्लाह, खुदा के वास्ते खुर्शीद से ताल की तमीज सीखो। उमराव जान, लखनऊ की मशहूर तबायो। रईसा आ गई। बन्नो कहाँ गई थी? जी वो नवाब सुल्तान ने बुलवाया था उनके दोस्त के यहाँ, वहीं गई थी। हमारी इजाजत के बगैर? तुम जानती हो ना कि हमारी इजाजत के बगैर यहाँ ना कोई अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। ये खानम जान का कोठा है। नवाब सुल्तान खुद्दार भी है और समझदार भी है। जानते हैं हमारे वक्त की कीमत खानम साहब की खिदमत में पेश करनी पड़ती है। ये रही कीमत। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई जुल्म हो रहा है। जी नहीं, करम की बारिश हो रही है। और हमारे करम को भूलिएगा नहीं उमराव जान। जी खानम साहब। क्या बात है उमराव, खानम तुमसे खफा क्यों है? क्या बताएं, हम नवाब सुल्तान से मिलने क्या चले गए, बस गुनाह हो गया। हाँ, तो आखिर आपको मोहब्बत हो ही गई, ऐसा ही समझ लो। खुदा खैर करे उमराव जान, हम मोहब्बत के सौदागर हैं, मगर हमें मोहब्बत करने का हक नहीं है। मगर हम मजबूर हैं, इसलिए तो ये शेर लिखा है। क्या लिखा है जरा सुनाओ तो। जान देना किसी पे लाजिम था, जिंदगी यूं बसर नहीं होती। सुभान अल्लाह, हमारे प्यार के पींगे आसमान छू रही थी, अरमान पूरे हो रहे थे और चाहत थी कि एक दूसरे के सिवाय कुछ दिखाई न देता था। एक हसीन ख्वाब देख ही रही थी कि बस हमने शेर लिखा है। सुनाइए।
एक शातिर चोर दिल मेरा चुरा कर ले गया। पास पांच कमबख्त सब सोते के सोते रह गए। अब हम सुनाएं। एक शातिर चोरनी दिल मेरा चुरा के ले गई। हम जानते थे आप चोर और चोरनी को जरूर मिलवा देंगे। हुजूर, नवाब शुजात अली खान साहब तशरीफ लाए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बुलाइए। अल्लाह, अब क्या होगा? आदाब। आप गालिबन उमराव नाम की तवायफ हैं जी। बेहतर होगा कि आप यहां से तशरीफ ले जाएं। अभी इसी वक्त हमें अपने बेटे से कुछ अकेले में दो बातें करनी है। अबू, आपने उमराव को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। इसमें सिर्फ उनकी बेइज्जती नहीं है, हमारी भी तौहीन है और हमें यह अच्छा नहीं लगा। अच्छा, उमराव की बेइज्जती आपको बेइज्जती लगी और आप जो हमारे फरमान के खिलाफ जा रहे हैं उसका कुछ नहीं। हमने आपसे कहा था कि उमराव को मिलना मत। हम उमराव से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? बरखुदार मोहब्बत वो जज्बा है जो दुआ बन के बाप की सांसों से और दूध बनकर मां की छाती से निकलता है। दौलत से खरीदी हुई मोहब्बत मोहब्बत नहीं, हवस है। अब्बा हुजूर, अब आप हमारी मोहब्बत की पाकीजगी पे उंगली उठा रहे हैं। हमारी मोहब्बत कितनी पाक है यह सिर्फ खुदा जानता है और आप खुदा नहीं हैं। सुल्तान, अब आप बदतमीजी पर उतर आए हैं, कुफ्र पकने लगे हैं। मत भूलो, जो दौलत आप उस तवाय पर लुटा रहे हैं वो आपकी नहीं, हमारी है। हम आपको बेदखल कर सकते हैं। तो फिर हमें बेदखल कर दीजिए, क्योंकि उमराव हमारी जिंदगी से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तो हम अभी इसी वक्त आपको बेदखल करते हैं, अपनी जिंदगी से, रुपए पैसों से, घर से और जायदाद से। आप आ भी गई? सो खैरियत? खैरियत ही तो नहीं, उनके अब्बा वहां पहुंच गए थे, बहुत गुस्से में थे, सुल्तान से अकेले में बात करना चाह रहे थे। तो क्या, तब से दिल धक धक कर रहा है। तुम जाओ ना, जाके पता करके आ जाओ कि क्या हुआ और क्या नहीं। मैं? खुदा के वास्ते जल्दी खबर लेके आना, मैं इंतजार करूंगी। वाह गौहर मिर्जा, उसने फरमाइश भी की तो रकीब की खबर लाने की। उमराव, क्या खबर? कुछ बोलती क्यों नहीं? खबर बुरी है? इतनी बुरी भी नहीं, पर अच्छी भी नहीं है। कुछ मुंह से फूटो तो। बाप बेटे में टकराव हो गया, नौबत यहां तक आ गई कि नवाब साहब ने अपने बेटे को बेदखल कर दिया। अपनी दौलत से, अपने जायदाद से और शायद अपने घर से भी। मगर क्यों? नवाब सुल्तान तुम्हारी मोहब्बत का दम भरते हैं और नवाब साहब को ये बात एक आंख नहीं भाती। <दे, दे, दे, laughs>
हमें तनहा छोड़ दो। तुम्हारे वो नवाब सुल्तान आएंगे? खानम साहब, आप हैं नवाब फैज अली। आदाब। तस्लीम, तशरीफ रखिए। आदाब। पहले आओ। अल्लाह खैर करे, ये तमंचा? जी जी समझा, लेकिन हम तो सुनते आए कि जिस कोटे पे गोली चल जाए उसका नाम और भी रोशन हो जाता है, लेकिन आप यकीन कीजिए हमारे तमंचे से गोली नहीं चलेगी। खैर छोड़िए मुए तमंचे को, जरा कलाई आगे बढ़ाइए। फरमाइए, हमारी कोठे की कौन सी रौनक पसंद करेंगे आप? उमराव जान, आप हमें पान नहीं खिलाएंगे? उमराव जान के हुस्न के चर्चे ही हमें यहाँ खींच लाए हैं। खानम साहब, कह दीजिए हम इनकी दिलजोई न कर सकेंगे। हम नवाब सुल्तान के हो चुके हैं और उनकी वफा का ही दम भरते हैं। सुन लिया आपने, खुदा झूठ न बुलवाए, इनकी वफाओं के सामने हम भी मजबूर हो चुके हैं। बहरहाल हमें उमराव जान के दीदार हो गए जहर नसीब। फैज अली साहब, हमारे यहाँ और भी रौनकें हैं, जैसे कि खुर्शीद, बिस्मिल्लाह, हुस्ना, जीनत, आप किसी का भी इंतखाब कर लें। जी नहीं, हमारी बदनसीबी है कि हम उमराव जान को चाहते हैं और उमराव जान किसी और को चाहती है, मगर हम मायूस नहीं। अगर जिंदगी ने वफा की तो फिर मिलेंगे। और हाँ, उमराव जान की एक झलक और आपके वक्त की कीमत। शुक्रिया। फैज अली को आपने कदमों में एक पल के लिए जगह दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हड्डी टेढ़ी है लेकिन आदमी है दौलतमंद। नवाब सुजात अली के नाम। सुनिए जी, जाइए। हम हाजिर होते हैं। जी हम पूछते हैं, ये आवारा आशिक कब तक यहाँ पड़े पड़े शराब पीता रहेगा? आहिस्ता बोलिए, वो सुन लेगा। सुन लेगा तो सुना करे, हमें परवाह है क्या? हम कह देते हैं, हम और बर्दाश्त न करेंगे। बेगम, वो हमारा दोस्त है, समझने की कोशिश कीजिए। तो निभाओ दोस्ती, हमें इजाजत दे दो, हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस थोड़ा वक्त दीजिए। अशरफ मियां, हमें उमराव के पास ले चलिए। इस वक्त सब खैरियत तो है? शराब पी है हमने, खूब पी है। पीटेंगी तो नहीं? कैसी बातें कर रहे? ये जिद कर रहे थे कि हम उमराव जान के पास जाएंगे, सो हमें नहीं आ लिया। करम किया आपने, शुक्रिया।
नवाब साहब हमारे पास रहेंगे। आइए चलिए। हम भी घर हुए हैं, बेसहारा नहीं। चलिए जी, आइए। आप हमें सुलाने की कोशिश कर रही हैं? क्या आपको लगता है कि आज हम पहली बार नशे में हैं? नशे में हम आज से थोड़ी ही हैं। वो कौन सी गजल थी? हाँ, इधर जो देखो सलाम कर ले, गुलाम कर ले। ये क्या कह रहे हैं आप? आप तो हमारे सरताज। सरताज, बेघर, बेरोजगार, कंगाल सरताज। मजाक उड़ाने के लिए और कोई नहीं मिला आपको? खुदा के वास्ते ऐसी बातें ना कीजिए। क्यों, यकीन नहीं हो रहा कि हम बेघर हैं? जाइए हमारे अब्बा हुजूर से पूछिए। नवाब सुजात अली खान, चार महीने के थे, उनकी गोद में हमने पेशाब कर दिया तो उन्होंने हमें उठा के फर्श पे फेंक दिया। तो आज अपनी जिंदगी से बाहर फेंक के कौन सी बड़ी बात की? हाँ, एक बात है, आप हमें अपनी जिंदगी से बाहर तो नहीं फेंकेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? ही तो हमारी जिंदगी है। हम भी आपको हमारी जिंदगी से बढ़कर चाहते हैं, लेकिन अगर बेवफाई की तो एक बात याद रहे, ये पठान आपको काट के अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देगा। ठीक है, काट के फेंक दे, मगर क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? सब ठीक हो जाएगा, आपके अब्बू आपको गले लगा लेंगे। हाँ, ये कमाल है, हम यहाँ मोहब्बत की बातें कर रहे हैं और आप हमारे अब्बा हुजूर की बातें कर रही हैं। जी, कहीं आपको हम पे रहम तो नहीं आ रहा? हम तो खुद ही रहम के काबिल हैं, किसी और पे रहम कैसे करेंगे? जरा इधर देखिए, देखें आपकी आंखों में, साफ नजर आ रहा है रहम। रहम वो भी आपके गुलाम के लिए।
गुलाम। गुलाम की जगह यहां नहीं है। यहां है जी। जी क्या कर रहे हैं आप? यहां रहिए हमारे पास। नहीं, हम आपके गुलाम हैं। सुनिए, ये क्या बच पड़ा है? उठिए, पलंग पर चलिए। आ जाइए, चलिए ऊपर। लेकिन हम तो उमराव जान के गुलाम हैं। गुलाम? तो फिर हम भी आपके गुलाम हैं। हम भी यहीं बैठते हैं। ठीक है, फिर यही सो जाते हैं। ठीक है, यही सो जाते हैं। गुलाम, गुलाम। ये लीजिए खानम साहब। जचेगा ना? खुशी दे देखो, कितनी बारीक है इसकी कढ़ाई, है ना? बहुत बारीक और बहुत उम्दा है। आप पे बहुत सजेगा। आप ये दुशाला देखिए। नहीं, वो दिखाई, दूसरी दिखाओ। अच्छा, ये वाली देखिए। अरे वो नीचे वाली दिखाइए, वो बैंगनी रंग। इसकी कढ़ाई देखिए। वो जो सबसे महंगी दोहर है वो दिखाओ। जी, नवाब सुल्तान से कहो हमने याद किया। ये लीजिए खानम साहब, पेश है। नहीं चाहिए। हा? जी, आदाब नवाब सुल्तान साहब। आइए आइए, हमारे नजदीक बैठिए। खबर मिली थी कि आप रात ही को तशरीफ ले आए थे और खुदा न खास्ता आपकी तबीयत खराब थी। आप कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे। लेकिन हुआ क्या था? कुछ खास नहीं। उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि बड़े नवाब साहब के साथ कुछ कहा सुनी हो गई थी। नवाब साहब, घर में ये तो सब होता ही है, किसी भी बात को दिल पर मत लीजिएगा। हाँ, अलबत्त जहाँ तक हम उन्हें जानते हैं, सारी दौलत बड़े नवाब साहब के हाथ में है। जब चाहे मेहरबान हो जाए, जब चाहे हाथ रोक ले। मगर खानम साहब, तुम बीच में मत बोलो। हम तो इन्हें दुनियादारी की बात समझा रहे थे। खुदा झूठ न बुलवाए नवाब साहब, आप जैसे रईसी तवायफ को एक दर्जा देते हैं। वरना बेचारी तवायफ की क्या औकात? मोहब्बत को लेकर बैठेगी तो खाएगी क्या? तवायफ का तो सिर्फ एक रिश्ता होता है, वो है दौलत से। बिल्कुल सही कहा आपने खानम साहब, नवाब सुल्तान ने तो सब। तुम फिर बीच में बोली? खैर छोड़िए इन सब बातों को। ये देखिए दुशाले आए हैं, आप परवरिश करें तो आपकी बदौलत इस बुढ़ापे में एक दुशाला ले लूं। कीमत कमबख्त बता रहा है 5,000 रुपए। अब बताइए कहाँ से लाएंगे हम इतनी बड़ी रकम? आदाब अर्ज करते हैं। फैज अली साहब। आदाब हुजूर। आदाब, आदाब। तशरीफ लाइए। खानुम साहब, अगर आप शाल के लिए हमारी तरफ देख रहे हैं तो हम माजूर हैं, और ये कहते हुए हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। शर्म की बात तो तमाम अवध के नवाबीन के लिए है। हाय तकदीर, अब हम इस लायक हो गए कि एक जरा से चिथड़े के लिए ऐसे ऐसे रईसों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ये लीजिए हार, नवाब सुल्तान ने ही इनायत किया था, इसे दीजिए और शाल ले लीजिए। ये झूठ कह रही है, ये हार हमने इन्हें नहीं दिया।
नवाब सुल्तान, आप हमारे मौजूद मेहमान हैं, जब तक चाहे यहाँ रहें। हाँ, अगर कल को किसी ने कह दिया कि इतने बड़े नवाब एक तवायफ के टुकड़ों पे पल रहे हैं, तो हम तो उसका मुंह नोच लेंगे। माफी चाहते हैं हम, मगर बात कुछ हद से आगे बढ़ गई है। ये लो, और शाल खानम साहब के हवाले कर दो। जी हुजूर। और हम एक और लेंगे उमरा जान के लिए, और अगर आप और आप भी चाहें तो हम आप दोनों के लिए भी एक एक ले देंगे। अब हम इजाजत चाहेंगे, मगर जाने से पहले इतना जरूर कहेंगे कि मोहब्बत को दौलत के तराजू में तोलकर आपने सिर्फ हमें ही नहीं, इंसानियत को गाली दी है। हाय हाय, लगता है आपको सच सुनने की आदत नहीं है नवाब साहब। सच तो ये है खानम साहब कि हम नवाब सुल्तान हैं और आप सिर्फ एक कोठे वाली हैं। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं उमराव, आप हमारे साथ नहीं चल सकती, आपको यहां रहकर हमारा इंतजार करना होगा। जिन लोगों ने आपकी तौहीन की है, हम उनके साथ एक पल भी नहीं रह सकते। तो क्या हमारी मुश्किलें बढ़ाएंगी आप? हमारी जिंदगी यूं ही अंधेरों में भटक रही है। समझने की कोशिश करो उमराव, हम सारी दुनिया से लड़ सकते हैं लेकिन तकदीर का लिखा हुआ नहीं मिटा सकते, और अब हमारी तकदीर है जदोजहद और आपकी तकदीर है इंतजार। जान ले लेगा ये इंतजार। खुदा हाफिज। ये क्या हुलिया बना रखा है? चलो उठो और तैयार हो जाओ, फैज अली नीचे इंतजार कर रहे हैं। मगर खानम साहब, हम नवाब सुल्तान के हैं। भूल जाओ उसे, नवाब सुल्तान एक ख्वाब है, और तवायफ की आंखें ख्वाब देखने के लिए नहीं होती, ख्वाब दिखाने के लिए होती हैं, लोगों को रिझाने के लिए होती हैं। मगर नवाब सुल्तान ख्वाब नहीं, हकीकत है, और हम उनसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? उमराव जान, ये ऐश और इशरत की जिंदगी मोहब्बत के सहारे नहीं, दौलत के सहारे चलती है। ठीक है, नवाब सुल्तान लौटेंगे और दौलत लेके आएंगे। कल क्या होगा हमें नहीं मालूम, आज की बात करो। आज नवाब सुल्तान कंगाल हैं और फैज अली दौलतमंद। झटक तो कंगाल का हाथ, पकड़ लो फैज अली का दामन, इसी में भला है, तुम्हारा भी और हमारा भी। रोने से कुछ हासिल नहीं होगा बिटिया, हम सब हालात के शिकार हैं, तुम भी और हम भी। बुआ तुम भी। Thank you.
गालिब का एक शेर, आ को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ सर होने तक। आपकी खरीदी हुई लौंडी हाजिर है। लौंडी? आप तो हमारे दिल की मलिका हैं। जो बिक गई हो वो मलिका नहीं हो सकती। इस बात का फैसला हमारा दिल ही कर सकता है और कोई नहीं। मगर हमारे दिल का फैसला कोई नहीं सुनेगा। क्यों नहीं, हम सुनेंगे और हमेशा सुनते रहेंगे, पर हमारी खुशी की तलाश कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको जिस खुशी की तलाश है वो एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं, और लाश दफनाने के काबिल होती है, मोहब्बत के काबिल नहीं। खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत कीजिए। आप हमें मार दीजिए पर हमारी जुस्तजू का खून मत कीजिए। हमारी खुशी हमें जरूर मिलेगी। सिर्फ आपको देखना चाहते हैं, सिर्फ आपको। मैंने चाहा था
कसूर मेरी वही तुम कहो ना करना तुम्हें मेरी ही कसम है मेरी आरज़ू ना करना मैं ना मिल सकूं जो तुमसे मेरी जुस्तजू ना करना नहीं फैसले नहीं फैसले नहीं नहीं आपने सच कहा था दिल के बगैर आप एक जिंदा लाश हो अगर फैसले इस लाश को जिंदा करके रहेगा या तुम्हें एक लाश बना के छोड़ेगा अशरफ साहब जरा रुको मिया अशरफ साहब आदाब आदाब कैसी हैं आप जिंदा हैं एक एहसान कर दीजिए बोलिए सुल्तान साहब का कोई पता हो तो हमें बता दीजिए जी खबर यह है कि उनके मौसा जनाब नाजिमुद्दीन उन्हें अपने साथ गाड़ी ले गए हैं गढ़ी जी हाँ वो वहाँ के मुनसिफ आला हैं ये वही मौसा तो नहीं जिनकी बेटी का नाम सबा है जिनसे सुल्तान साहब के वालिद उनका निकाह करने की सोच रहे हैं गालिबन वही हैं आपने सही अंदाज़ा लगाया अच्छा हम चलते हैं अपना ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़ चलना जफर ये क्या कर रहे हैं आप आइए तशरीफ रखिए आप भी तशरीफ रखिए हमारे पास देखिए आपके कहने पे हमने जुस्तजू भी छोड़ दी और आरजू से भी किनारा कर लिया अब खिदमत तो करने दीजिए ये क्या फरमाया आपने खिदमत करना तो हमारा फर्ज है आपको तो हमारा साथ भी गवारा नहीं ऐसा कब कहा हमने तो फिर चलिए हमारे साथ खुली हवाओं में या तो आपका दम भी घुटता होगा हमेशा के लिए नहीं एक महीने के लिए ही सही कहाँ हमारे यहाँ दौलताबाद
दौलताबाद है कहाँ? यहाँ से काफी दूर, कानपुर से भी परे, गढ़ी के रास्ते से होकर जाते हैं। गढ़ी से होकर? जी, कुदरत काफी मेहरबान है हम पर, आपका दिल भी फैल जाएगा। ठीक फरमाया आपने, हमारा दम घुटता है यहाँ पर, हम चलेंगे आपके साथ, मगर खानम साहब। जब आपको हमारा साथ हो तो खानम साहब क्या, किसी का भी खौफ नहीं होना चाहिए। इजाजत। उमराव, तुमने फैज अली के साथ जाने की जिद की और हमें मुंह मांगी कीमत भी मिल गई। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन खुदा जानता है कि हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। देखो बेटी, हमारी दुनिया जैसी भी है अपनी है, बाहर की दुनिया बहुत बदसूरत है। हम बदनाम जरूर हैं, लेकिन जो भी करते हैं सच्चाई से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, धोखाधड़ी और मक्कारी से नहीं। बाहर जाके कैसी दुनिया मिलेगी तुझे, ये सोच के दिल कांप होता है। अल्लाह मालिक है। मैं आप ही से मिलने आ रही थी मौलवी साहब, मैं जा रही हूँ। कहाँ? फैसली के साथ, एक महीने के लिए। फैसली के साथ? फैसली के साथ मैं गढ़ी पहुंचाऊंगी, नवाब सुल्तान वही हैं, उन्हीं के कदमों में जिंदगी गुजारने के इरादे से जा रही हूँ। दुआ कीजिए मेरे दिल की मुराद पूरी हो जाए। आमीन, खुदा तुम्हें खुश रखे। पर बेटे, फिर पलट कर इधर मत देखना। मगर वो घड़ी वाली बात आप किसी से ना कहना। तुम बेफिक्र होकर जाओ, मेरी हर सांस के साथ तुम्हारे लिए दुआ निकलती है। जब तुम यहां आई थी तो मेरा अपना कोई नहीं था, कोई भी नहीं। तुम आई तो एक बिटिया मिल गई, आज उस बिटिया को खुशी खुशी विदा कर रहा हूं। तुम्हारे अब्बा होते तो ना जाने क्या कुछ देते तुम्हारी विदाई पर, मेरे पास तो दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं। खुदा के वास्ते ऐसे न कहिए, आप तो दुनिया के सबसे अमीर बाप हैं, क्या नहीं दिया आपने, प्यार, शफकत, अकल, जिसके सहारे मैं इस खुदगर्जी से भरी दुनिया का सामना कर सकूंगी। मैं जहां भी रहूंगी आपको याद करूंगी, अपना ख्याल जरूर रखना। अब जाओ भी, नहीं तो मैं रो दूंगा। रो कर किसी को विदा नहीं करते। अरे जाओ ना। अगले जन्म
हम जरूरी काम से जाएंगे। आपको कुछ देर यहां रुकना पड़ेगा। जी। ये घुड़सवार कौन है आपके साथ ही? जी हमारी रियासत के सिपाही हैं ये। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कुछ देर के लिए यहाँ पना लेंगी। बेशक। शुक्रिया। आप हमें यहाँ तनहा छोड़कर जा रहे हैं? खुदा का घर है, इससे महफूज जगह और क्या होगी। हम बस यूं गए और यूं आए। आप तशरीफ रखें। थोड़ी देर यहीं सुस्ता लीजिए। या अल्लाह, इनके हाथ में क्या हुआ? कुछ खास नहीं, छोटा सा हादसा हुआ था, उसमें शायद लग गया हो। चलिए आप सामान ले लीजिए, हमें जाना होगा। चलिए। और आपका तमंचा कहाँ है? जी शायद उसी हादसे में गिर गया होगा। चलिए। चलो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मौलवी साहब। खुदा हाफिज। चलिए। डकैत फैज अली, हम कई सालों से तोहे पकड़ने की फिराक में थे और आखिर तुम हमारे हाथे चढ़ गए। हम कल रात से तुम्हारा पीछा करते आ रहे हैं। तुम्हारे बाकी सब साथी पकड़े गए और अब तुहार बारी है। ले चलो इन सबको गढ़ी, इन औरतों को भी। सुल्तान बेटे, आपकी सब परेशानियां लखनऊ में थी, इसीलिए हम आपको यहां ले आए, मगर लगता है लखनऊ आपका पीछा करते करते यहां भी पहुंच गया। अब आए हैं क्या? नहीं मियां, उमराव यहां पहुंच गई है। उमराव? मगर वो अकेली नहीं, फैज अली डाकू और उसके पूरे गिरोह के साथ गिरफ्तार हुई है और हमारी हिरासत में है। फैज अली डाकू, वो तो नवाब हैं। नहीं मियां, वो डाकू है जिसकी बरसों से हमें तलाश थी। नहीं, मानने वाली बात नहीं है। सुल्तान बेटे, चेहरों की सफाई पर ना जाइएगा, चेहरे दगाबाज भी होते हैं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? क्यों नहीं, जब चाहो। और वो हमें मिलने के लिए निकल पड़े, लगा हमारी मंजिल को चलकर हमें गले लगाने आ रही है। कि सितम जरीफ जिंदगी ने एक बार फिर हमारा मजाक उड़ाया। हम तक पहुंचने से पहले ही वो कमबख्त फैज अली उन्हें मिल गया। सुल्तान खान, कड़ी समझा।
मेहरबानी के लिए शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? लोगों का तन ढकने के लिए दोशाले खरीदते फिरते हो, तुम्हारा नंगा बदन देखा तो तरस आ गया। आखिर असलियत सामने आ गई, नवाब फैज अली डाकू फैज अली साबित हुआ। सुल्तान खान, कहां जा रहे हैं आप? आपसे मतलब? मतलब अगर आपको हमारी जान, मतलब उमराव जान से मिलने का इरादा है तो आपको हमारी इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो हमारी खरीदी हुई लौंडी है। क्या बक रहे हो? आपकी पीठ पलटते ही वो मोम की तरह हमारी बाहों में पिघल गई। हमें उस मासूम के मुतालिक बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको सुनकर खुशी होगी कि वो मासूम अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है, और जिसे आप मासूम कहते हैं वो एक तवायफ है, और तवायफ का दीन और ईमान दौलत होता है, सिर्फ दौलत। और जाहिर है कि एक डाकू के पास दौलत की कोई कमी नहीं। झूठ, झूठ और सच का फैसला आप खुद उमराव जान के साथ बैठकर कर लीजिएगा। खुदा कसम, उसके मुंह से हमारी सांसों की महक आएगी। फैज अली जी, यकीन नहीं होता, यहां ही है, यकीन नहीं होता तो उसकी दाएं जांघ पर एक नजर डाल लीजिएगा, इतना बड़ा दिल है। जाहिर है कि वो दिल आपने भी देखा है खान साहब, क्यों? जिंदा रहोगी मगर लाश बनकर। मोहतरमा, आपको नवाब सुल्तान ने बुलवाया है। आप लोग जाइए, अब ये हमारी हिफाजत में है। जी हुजूर। शराब क्यों पी? अब तो हम आ चुके हैं। हमने शराब पहली बार इसलिए पी थी क्योंकि हम दुनिया को छोड़कर आपके पास आए थे। आज हमने इसलिए पी क्योंकि हम आपको छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं? यकीनन आप मजाक।
मजाक अपनों से किया जाता है, खैरों से नहीं। तो अब हम खैर हो चुके, आप किसी और को दुल्हन बनाएंगे। हम सभा से शादी करने जा रहे हैं। सभा, जब हमें खबर मिली कि आप गढ़ी में मौजूद हैं, हमें डर था कुछ ऐसा ही होने वाला है। से पूछते हैं क्या हुई वो कसमें, वो वादे, साथ जीने मरने के इरादे, वो अंगूठी, वो प्यार की निशानियां, क्यों आखिर क्यों आप हमें अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं? क्या कसूर है हमारा, क्या गुनाह किया है हमने? जवाब मांगने का हक तो है हमें। हक था उस उमराव को जो वफा की मूरत थी, लेकिन अफसोस वो मर गई। उस पल जिस पल उसने दौलत के लालच में आके अपने आप को किसी और के हवाले कर दिया। क्या क्या कह रहे हैं आप? याद है हमने कहा था जिस दिन तुम वफा की डोर को तोड़ दोगी, ये पठान का बच्चा तुम्हें काट के अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देगा। मैं तुम्हारे खरीदार फैज अली डाकू से मिलकर आ रहा हूं। हमारा खुदा गवाह है, हमने उसे आप तक पहुंचने का जरिया बनाया था। अपना ईमान बेचकर, अपने जिस्म का सौदा करके? ये झूठ है, वो आपको बहका रहा है। और हम बहक रहे हैं? फैज अली आपके जिस्म के लकीरें और गोलाइयां गिनवा सकता है, यहां तक कि वो उस दिल को भी पहचानता है। आप जानती हैं ना हम किस दिल की बात कर रहे हैं? और कुछ सुनना चाहेंगी आप? बोलिए, अब आप जवाब दीजिए। बताओ सब खा कीजिए, या तो ताबीर बताओ मेरे सब खा। मुंसिफ़े आला ने हुक्म दिया है कि इन्हें बाइज्जत लखनऊ भेज दिया जाए। या कोई ख्वाब इन आँखों को दिखाया न करो, दिल है नाजुक इसे तुम ऐसे दुखाया न करो, झूठे इल्जाम। हम आपका ये एहसान जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भूलेंगे। जिस पिंजरे से आजादी का ख्वाब दिखाया था, आज उसी सोने के पिंजरे में वापस भिजवा रहे हो। हम आपकी जिंदगी से तो जा रहे हैं, बस एक एहसान और कर दीजिए। कभी मोहब्बत की दो पल याद करके जिस तरह हमें गिरा दिया, उसी तरह एक आंसू भी गिरा देना।
आग कैसी है गाड़ीवान? फसल कटगी भाई साहब, रहा खेत तो आग दे देवे उसे, पहली जल के राख हो जावे तभी तो नमी आवेगी ना। तुम कैसे रहे गौहर? अब ठीक हूँ कि तुम आ गई हो। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है हम लोग सब सुन चुके हैं फैज अली की असलियत और सुल्तान की बेवफाई की दास्तान। काश तुमने मेरी हालत देखकर सबक लिया होता। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है खुर्शीद, दर्द तो दर्द ही सही। एक बात पूछूं उमरा, आपको हमारी याद आई कभी? मैं भूली ही कब थी, खुदा कसम हमें आपकी बहुत याद आई। जैसे ऊपर तले की दो बहनें होती हैं ना, माँ के घर तो हमेशा लड़ती रहती है लेकिन जब एक पैदा हो जाती है ना तो दूसरी रो रो के मर जाती। खानम साहब कहाँ हैं? अंदर है जी। अच्छा नहीं है, घुटने पे घुटने पे। उमराव खानम साहब लौट आई बिटिया, क्या हाल बना लिया है अपना? खुदा झूठ ना बुलवाए, हम पहले दिन से जानते थे कि जिंदगी के थपेड़े खा के तुम वापस लौट ही आओगी। देख लिया ना बाहर की दुनिया का मकरूह चेहरा। खानम साहब वो ना मैं पूछूं ना तुम बताओ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बेटी ये घर तुम्हारा अपना है, इसकी चार दीवारी में तुम्हारे लिए हमेशा जगह है। अब तबीयत कैसी है आपकी? बिटिया लौट आई तो माँ तो ठीक हो ही जाएगी। बुआ बुआ मौलवी साहब, बुआ ये खाट उल्टी कैसे रख दी? जबकि बता ये बुरा शगुन होता है। नहीं बिटिया इसे रहने दो, तेरे मौलवी साहब अब तेरे लिए कभी बताशे नहीं लाएंगे। मौलवी साहब अब्बू
तो लौट आई आप। जिस कमबख्त की तलाश में आप गड़ी तक गईं, वो किसी और का हो गया। चलो अच्छा हुआ, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था कि हम दोनों साथ साथ रहें। क्या बकरे हो तुम, नशे में हो। खुदा जानता है कि मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। तो अब देख लो। इतना बुरा भी नहीं हूं मैं। ये क्या कर रहे हो गौहर, होश में आओ। उमराव जान, तुम्हारे इश्क में मैंने क्या क्या नहीं किया। नवाब से दलाल बन गया, तुम्हारे आशिक के पैगाम लाता रहा, ले जाता रहा, सिर्फ इसी पल के इंतजार में। गौहर, हम अपनी बिखरी हुई जिंदगी से समझौता कर ही रहे थे कि एक और तूफान आ गया, बहुत बड़ा तूफान जिसने पूरे मुल्क को अपनी चपेट में ले लिया। आजादी के परवानों की सरकोपी के लिए अंग्रेजी फौजों ने लखनऊ पर भी हमला कर दिया। लखनऊ की गलियों ने करबला की याद दिला दी, तो अंग्रेज ने यजीद की। बगावत की चिंगारी जो मेरठ से भड़की थी, सारे हिंदुस्तान को आग की तरह जला रही है। बागियों का सर कुचलकर अंग्रेजों ने दिल्ली पर तो कब्जा कर लिया, अब अवध की तरफ रुख कर रहे हैं। लखनऊ की गलियों तक पहुंच गए कमबख्त। हाय, हमारे लखनऊ को तो जैसे नजर ही लग गई। अल्लाह खैर करे खरम साहब, बहुत बुरा वक्त चल रहा है। खुदा खैर करे। ये गौहर मिर्जा कई दिनों से नजर नहीं आया, किसी को इल्म है कहां गया वो? खाक डालिए ना उस पर, पड़ा होगा किसी डोमनी के पास। या अल्लाह, गौहर मिर्जा, क्या हुआ? खून, ये कैसे हो गया? एक सिर्फ मैं ही नहीं हूं खानसा, पूरा अवध खून में नहाया हुआ है। बगावत से निपटने के लिए अंग्रेजों ने तोपों के मुंह खोल दिए हैं, लोगों को फांसी पे लटकाया जा रहा है, और बच्चों को दरख्तों से उल्टा लटकाया जा रहा है। या अल्लाह, कयामत के दिन आ गए हैं। अरे कोई जाके मरहम लेकर आओ इनके जख्मों को लगाने के लिए। खानम साहब, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप इन सबको लेकर यहां से चले जाइए। अब लखनऊ में कोई महफूज नहीं, कुछ भी महफूज नहीं। ये गोरों की मुहिम सिर्फ बागियों के खिलाफ है या सारे लोगों के? उनकी नजर में पूरा का पूरा अवध बागी है। अवध के नाम पर ही मैंने तलवार भी उठा ली। आखिर बाग के खून ने रंग दिखाया, नवाबी लहू ने हाथ में तलवार दे ही दी। हमें फख्र है तुम पर, मौला अली तुम्हारे साथ है। अब और वक्त जाया मत करो खानम साहब, आप इन सब को लेके पिछले दरवाजे से चले जाओ। मैं अपने साथियों को लेकर उन जालिमों का सामना करने जाता हूँ। चलो चलो, अपना सामान बांधो। हाँ, जल्दी करो। चलो, 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 जल्दी करो। खानम साहब, हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी, नेपाल की तरफ चल पड़ेंगे। हाँ, जाओ जाओ। गौहर, हमने तुम्हें माफ किया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अपना अपना ख्याल रखना, खैरियत से पहुंचाए खुदा तुम्हें। खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज। मगर पर आप ही तो हमारे साथ चलेंगे ना मैं? नहीं, हम नहीं जाएंगे। मगर क्यों? जहां खानम का कोठा वही खानम। कोठा खाक में मिलेगा तो खानम भी साथ ही जाएगी। ये क्या कह रही है अम्मी, चलिए हमारे साथ। बिस्मिल्ला, हमने तुमसे हमेशा सख्ती बरती इस खौफ में कि हम पर नाइंसाफी का इल्जाम न लगे, क्योंकि हम सिर्फ तुम्हारी नहीं इस कोठे की हर लड़की की अम्मा है। हमें माफ कर देना। हुसैनी, इन सब को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, इनकी हिफाजत करना। जा, जा, जाओ, जाओ। और हमारा कारवां फैजाबाद पहुंचा। बिस्मिल्ला और खुर्शीद ने कहा, फैजाबाद तो तुम्हारा अपना वतन है, तुम क्यों ना यहीं पना ले लेती। हम तो आगे नेपाल पहुंचे ना पहुंचे, मैंने सोचा क्यों ना आखिरी बार अमीरन से मिल ले। रईसा तो हमारे साथ ही साजिंदे भी आ मिले। एक मकान हमने किराए पे ले लिया और रोजी रोटी कमाने के लिए तैयार हो गए। अमीरन घर जाकर अपनों से मिलना चाहती थी, पर उमराव जान वो तो एक तवायफ थी, कैसे जाएगी। फिर एक नवाब साहब हमारी कयामगाह पर तशरीफ ले आए। आदम, तशरीफ रखिए। अल्लाह शुक्रिया। फरमाइए। हमें खुशी है कि आप जैसी फनकारा हमारे फैजाबाद तशरीफ लाई हैं। हमारे यहाँ शादी है और इस मुबारक मौके पर हम ये चाहते हैं कि आप एक मुजरा पेश फरमाएं। जी, हमें मंजूर है। बिस्मिल्लाह। ज़हनसीब, फैजाबाद काफी बदल सा क्या है। आप पहले फैजाबाद आ चुके हैं? जी, कदर से पहले। उस वक्त बहू बेगम के मकबरे पर एक जमादार हुआ करते थे, जिनकी एक बड़ी सफेद रंग की कोठी थी। हाँ थे, मगर आप उन्हें कैसे जानती हैं? जी, एक मरतबा गदर से पहले मुहर्रम के वक्त मैं फैजाबाद आई थी, मकबरे पर रोशनी देखने गई थी। बस वो मुझे घर ले गए और मेरी बड़ी खातिर भी की थी। वही जमादार ना जिनकी एक लड़की निकल गई थी? मुझे क्या मालूम। यूं तो कई जमादार थे और अब भी हैं, मगर रोशनी वगैरह का इंतजाम गदर से पहले वही किया करते थे। उनका एक लड़का भी था। आपने लड़का कहाँ देखा? मैंने जिक्र किया था ना, मैं उनके साथ उनके घर गई थी, वही मिली थी। जमादार साहब गदर से पहले ही इंतकाल फरमा गए थे, उनका लड़का आज भी उनकी जगह पर नौकरी बजा रहा है। मोहतरमा, इजाजत है? जी, आप चलिए। हमारी सवारी तैयार करो। जी बीबी साहब।
कौन? वही बच्ची जिसे तुमने तमाचा मारा था, यही इसी जगह। खुदावंदा, तुम अमीरन हो? हमार बिटिया? अमीरन? अम्मी, अब हम सबसे लूट कर चले गए, कैसे दुख बांटू तुम्हारा? जरूर दुख बांटती अपना अगर तुम अमीरन होती, मगर तुम तो एक तवायफ हो। तो एक रोज के लिए फैजाबाद में आकर जमादार साहब की याद का भी मिट्टी में मिलाए रही। ऐसा ना कहो अम्मी। अम्मी, मैं तुम्हारी बच्ची हूँ, तुम्हारी अमीरन। अमीरन तो कब की मर चुकी, वो इस घर को इस तरह जलील ना होने देती। बस अम्मी, दिल से निकाल दिया, निकालने से पहले एक बार तमाचा तो मारती, एक बार अंगूठी गवाई थी तो तमाचा मारा था। आज तो मैं सब कुछ गवा के आई हूँ, इस्मत, इज्जत, मान मर्यादा, घर बार, माँ बाप, सब कुछ। मारो मुझे, जी भर के मारो, मारती क्यों नहीं? मैं तो भूल ही गई थी, मारती तो अपनों को है ना? हाँ, गैर हो तुम। ये ममता की मारी नहीं मारेगी तुम्हें, मगर मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी कर सकता हूँ। थप्पड़ तो क्या, गला भी दबा सकता हूँ तुम्हारा। जिस तरह तुमने इस घर की आबरू को दलदल में धकेला है, तुम्हें तो जीने का भी हक नहीं। जमाल। अरे तवायफ बनने से पहले चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए था तुम्हें। जब वो कमबख्त दिलावर मुझे उठाकर ले गया, मेरी उम्र ही क्या थी? बुरा भला नहीं जानती थी, जिंदगी और मौत कहां समझ पाती? अब तो समझती हो, फिर क्यों आई हो मैं बदनामी और रुसवाई की घार में धकेलने? शायद अमीरन की तलाश में, जो जिंदगी की गंदगी में गुम हो गई थी, या फिर मरने से पहले अपनों को गले लगाकर रोने के लिए। जिन यादों को हम दफना चुके, उन्हें आवाज देने की कोशिश मत करो, चली जाओ फैजाबाद से हमेशा के लिए। जब से होश संभाला है, किसी ने मुझे बहन नहीं समझा। एक माँ जाय भाई था, आज वो भी अपनी बहन को फिर उसी बाजार में वापस भेज रहा है। हाँ, मैं तो अमीरन की तलाश में आई थी, दो पल के लिए अमीरन मिल भी गई थी, फिर खो गई। बड़ी भोली थी और थोड़ी पागल भी थी। कहती थी मैं कभी शादी करके पैदा ना होंगी, घर और परिवार को छोड़कर कभी ना जाऊंगी। चलती हूँ, हो सके तो उस पगली को माफ कर देना।
इस और सपनों में भी आया न कीजो अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो जो अब की हो दाता ऐसा न कीजो अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो अगले जन्म मोहे बिटिया न देखा मियाँ फैजाबाद की अमीरन लखनऊ से तवायफ जान बनकर वापस आ गई हैं। अम्मा यूं कहिए दुल्हन ससुराल से मई के वापस आ गई है और ससुराल भी कैसी ससुराल आरज़ू थी हमें इतना जहर किस्मत मिल जा रुखसत की इजाजत मिल जा
गाड़ीबान रुक क्यों गए? रास्ते में कोनो पड़ल बा। कौन है? हम देखा था भाई साहब। ये तो कोनो कोड़ी बा। ए उठ। अरे रुको, मत मारो इसे। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, बहुत भूख लगी है। घर में निकबू आया ना, वो पल भर में भूख के इसे ठीक कर देगी। दिलावर का अल्लाह के नाम पे कुछ रहम कर बेटा, बेटा कुछ दे दे बाबा को, इस गरीब का कुछ दे दे बेटा। तुम जो भी हो अल्लाह वाली हो बेटा, बहुत रहम है तुम्हारे दिल में। तुम्हारे जैसे नेक लोगों के अल्लाह जरूर सुनता है बेटा। हो सके तो मेरे हक में दुआ करना, बहुत बड़ा गुनहगार हूं मैं, बहुत बड़ा गुनहगार हूं। पाक परवरदिगार, दिलावर के गुनाह माफ कर। राजा ने फैजाबाद को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और साथ ही खत्म हो गई मेरी दास्तान। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, शायद कह ना पाऊं। समझ में नहीं आता कि इस दास्तान को क्या नाम दूं, अमीरन की कहानी कहूं या उमराव की। बहरहाल जिंदगी का सफर भी क्या अजीब सफर है। अगर इस सफर का निचोड़ आप अपने अंदाज में पेश कर दें तो इनायत होगी, करम होगा, नवाजिश होगी। ओ